उस समय संजय ने नवल जी आप अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ मैं जिक्र कर रहा था गाजीपुर सीट, गाजीपुर बड़ी टफ है और ये जो परसेप्शन है कि जो अफजाल अंसारी है मुस्लिम वोटर की मदद से जीतता है, लेकिन हाँ वहां पे मुसलमानों की संख्या कम है, लेकिन वहां पे जो जातियों का क्वेश्चन है इन लोग के परिवार का बड़ा प्रभुत्व है और जो पारस नाथ राय को जो प्रत्याशी किया गया वो उनके लिए खुद भी अप्रत्याशित था, वो क्लास दे रहे थे और उस दौरान पता चला निश्चित रूप से बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े सरल और सहज है, लेकिन वहां पे ये माना जा रहा है कि मनोज सिन्हा की इच्छा से उनका टिकट हुआ है और मनोज सिन्हा प्रचार करने उतरे हैं, कहीं ना कहीं चूंकि सीधे प्रचार तो नहीं कर सकते लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे थे और उससे लग रहा था कि और पुख्ता हुआ कि उनके कैंडिडेट है, तो मुझे लगता है वहां पे बीजेपी के लिए पिछला चुनाव भी हारा था, ये चुनाव भी बड़ा मुश्किल भरा नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, पारसनाथ राय के जो बेटे हैं आशुतोष राय वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके, तो बड़े दखल वाले परिवार है, लेकिन वहां पे बहुत कठिन मुकाबला मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो नवल जी कह रहे हैं कि सबसे कड़ा मुकाबला जो है वो गाजीपुर का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे सहयोगी विशाल भी मौजूद हैं और थोड़ी देर के बाद मनोज सिन्हा अपने मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन हॉटेस्ट सीट है बनारस और बनारस में दो दिग्गजों के बीच मुकाबला है। दिनेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन दिनेश के अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं विशाल। फिर से विशाल, इतना जबरदस्त मुकाबला गाजीपुर में क्यों है? देखिए गाजीपुर का लड़ाई की लड़ाई है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बता दें कि इस बार अफजाल अंसारी सपा और जो है कांग्रेस गठबंधन से, पिछली बार बसपा और सपा गठबंधन से अफजाल अंसारी थे, इस बार जो है अगर हम बात करें तो सपा और कांग्रेस से गठबंधन से और लड़ाई पारसनाथ राय से है। पारसनाथ राय की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षक के तौर पर उनको जो है माना जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर मनोज सिन्हा के का जो एक बड़ा दबदबा रहा है उस दबदबे के आगे जो लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण। उसके साथ साथ देखिए मुख्तार अंसारी इस बार गाजीपुर के चुनाव में नहीं है, मौत हो गई, इसके बाद पहला ऐसा चुनाव लड़ रहा है अफजाल अंसारी जिसमें मुख्तार अंसारी का कोई रोल नहीं है और इसीलिए शायद इस बार की जो लड़ाई है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जो ठाकुर उमेश सिंह है वो भी जो बसपा के प्रत्याशी के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर, उसमें एक जो बड़ा फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो भूमियार वोट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 40,000 के आसपास की आबादी है, इसके साथ साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी काफ़ी डाइवर्ट हो गया है बलिया या घोसी में, लेकिन जो यहाँ पे जो एक बड़ा फैक्टर है दलित वोट बैंक का वो किधर जाता है, जो जाटो वोट बैंक है वो किधर जाते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि ठाकुर उमेश सिंह को ये वोट जा पाता है या नहीं जा पाता है ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि ठाकुर उमेश सिंह आपको याद होगा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी में सबसे पहले स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था अरविंद केजरीवाल का, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्टर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई जो है ये यहाँ पर सीधे तौर पर प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। मनोज सिन्हा 2019 में करीब 1,00,000 से वोट से हार गए थे अफजाल थे और उस वक्त उत्तर प्रदेश में मोदी लहर थी और इस बार आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रैलियों का फर्क नहीं दिखाई पड़ा है, वोटर बहुत साइलेंट है, मुद्दे जो है बिल्कुल आप देखिए लगातार पीडीए विपक्ष कह रहा है, एनडीए लगातार तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश किया, राम मंदिर का बहुत ज़्यादा असर इस फेज में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि अभी जो लड़ाई है वो बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला देखने को इस बार मिल रहा है। इस सातवें फेज में जनता तय करेगी कि वो किसको वोट डालती है। दिनेश का रुख करते हैं, दिनेश और दिखाइए जरा तस्वीर क्योंकि हम देख रहे हैं थोड़ी भीड़ बढ़ रही है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं उनके जहन में जिसको लेकर वोट करने पहुंचे हैं। देखिए दीपाली वाराणसी की बात करें, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लोगों का भीड़ जो है बूथों पर बढ़ता जा रहा है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदान प्रतिशत कुछ ठीक रहने का है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ लेकर के इरादे आए हैं यहाँ मतदान करने के लिए। आप ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकास की मजबूती के लिए हम वोट डाल रहे हैं। कहाँ किस जगह मजबूती देखती है, किसको कहाँ? विकास में, नारी सशक्तिकरण में, हर जगह देखी जा सकती है। तो कौन ऐसी पार्टी जो नारी सशक्तिकरण विकास का? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो हम नहीं बता। विकास हर जगह आपको दिख रहा होगा।
यहाँ पर देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या है काशी, बनारस का क्या है इस समय जी, काशी में क्या कुछ चल रहा है, कि किधर जा रहा है? देखिए निश्चित तौर पर बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है, यहाँ विकास की योजनाओं के साथ ही जन विश्वास को जोड़ने की कोशिश की है। किसी भी सांसद या जनप्रतिनिधि को वो जन विश्वास जो होना चाहिए ये बनारस में जुड़ा, ये दिखाई भी दिया, बूथों पर दिखाई भी पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को मतदान करने का अधिकार है और एक कर्तव्य भी बनता है, लिहाजा लोग कहाँ वोट देते हैं ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनके अपने विचार, उनके अपने सुझाव हो सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह बनारस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए जरूर वोट देगा। क्या लगता है अरुण जी की 2014 जो जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़े, 2019 में लड़े, अब तीसरी बार 2024 में लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ मार्जिन रहेगा, बढ़ेगा या किधर जाएगा? नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये मार्जिन बढ़ना चाहिए, क्योंकि बनारस में जो डेवलपमेंट के काम उन्होंने कराए किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, उन्होंने किसानों के लिए किया, युवाओं के लिए किया, तमाम बुनकरों के लिए भी किया है काम, तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि पिछले बार की तुलना, पिछली बार जब वो 2014 में आए थे यहाँ पर तो उसमें उनको 56% वोट मिले, 19 में उनको 63% वोट मिले, उम्मीद की जा रही है, बनारस के लोग जान समझ रहे हैं इस चीज़ के कि ये परसेंटेज वोट बढ़ेगा। जी दीपाली, देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उनके खिलाफ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल मैदान में थे जो कि दूसरे पोजीशन में थे, और जो इस समय लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से अजय राय, उस समय वो भी चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो तीसरे पोजीशन पर रहे हैं। और 2019 की बात करें, 2019 में भी कमोबेश यही हाल रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 63% वोट पा करके लगभग 6,67,000 मतदान पा करके प्रथम पोजीशन पर रहे। इसके साथ साथ देखना होगा कि क्या लोग सोचकर वहां पर वोट डाल रहे हैं, हालांकि विकास का मुद्दा नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। गाजीपुर से मोहम्मदाबाद इलाके में भी वोटिंग शुरू हो गई है, ये इलाका बलिया लोकसभा में आता है, सुबह से ही लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है। गाजीपुर से अफजाल मुख्तार अंसारी के भाई ने मतदान कर गठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद इलाके में भी मतदान जारी है, ये लोकसभा बलिया लगती है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर जो मतदाता हैं वो आपको सुबह से ही कतारों में दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद भी रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो मतदाता हैं वो लंबी लंबी कतारों में आपको दिखाई पड़ेंगे, जो वोट यहाँ पर डालने के लिए आए हुए हैं। और ऐसे में इस तरह की जो तस्वीर होती है ये तस्वीर बेहद खास होती है। और आपको बता दें कि ये जो इलाका है ये मोहम्मदाबाद इलाका है, और यहाँ स्पेयर जो है मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है, और उसके बाद अगर आप देखिए तो ये पहला चुनाव जो है वो हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आपको कतारों में दिखाई पड़ेंगे, तमाम महिलाएँ वोट डाल दी रही हैं। आपने वोट डाल दिया? एक बार निशान दिखाइए वोट डालने का। देखिए ये आप देख सकते हैं कि जागरूक मतदाता हैं, जो लोग अपने घरों से नहीं निकले उनको क्या कहेंगे, घर से निकले, सब निकल गए हैं, सारी महिलाएं निकले हैं जी। देखिए ये तमाम मतदाता हैं जो सुबह से ही यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं, और वोट डालने के लिए जो है यहाँ पर आपको कतारें जो हैं वो दिखाई पड़ेंगी, और एक अच्छी तस्वीर है। खास तौर से अगर हम बात करें तो ये जो पूरी तस्वीर है, ये तस्वीरें बताती हैं किस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में लोग जो है हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम जो लोग हैं वो कतारों में दिखाई पड़ेंगे, महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है, बुजुर्ग आपको काफ़ी दिखाई पड़ेंगे। तो ये मोहम्मदाबाद इलाके की तस्वीर है, और ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के महापर्व में सातवां चरण जो अंतिम चरण है उसके लिए जो मतदान करने की जो लोग हैं वो फिलहाल जो है पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रामबालक साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया मोहम्मदाबाद। हमारे साथ पहले वोटर के तौर पर सफदुल्ला जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप पहले वोटर के तौर पर यहां पर थे मोहम्मदाबाद में, अब चूंकि आपके भाई भी चुनावी मैदान में है गाजीपुर से, क्या कुछ उम्मीद लग रही है? जी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आखिरी चरण में ज्यादातर सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। आपने वोट कर दिया, एक बार जरा निशान दिखा दीजिए। तो गर्मी बहुत है तो आप अपील क्या करेंगे यहाँ तमाम मतदाता? नहीं, सब निकलेंगे, जोश है मतदाताओं में, परिवर्तन करना है, इसलिए कोई गर्मी उर्मी रुकावट नहीं बनेगी। आज थोड़ा मौसम बेहतर है पहले से। गाजीपुर में कितनी चुनौती मान रहे हैं अफजाल अंसारी जी के लिए? कोई चुनौती नहीं है वहाँ तो। तो देखिए ये पहले वोटर के तौर पर जो है फतुल्ला जी ने जो है यहाँ पर वोट कास्ट किया है, और मोहम्मदाबाद में ये जो लोकसभा है ये बलिया लगती है, ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। इसी दौरान मुख्तार अंसारी के भाई आसिफ उल्ला अंसारी ने भी पहले वोटर के तौर पर यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया है।
तो सुन रहे थे आप विशाल को, विशाल बता रहे थे कि क्या कुछ गाजीपुर का समीकरण रहा है। अब हमारे साथ हमारे गेस्ट से जुड़े हुए हैं नवल किशोर जी। नवल जी, अब क्या लग रहा है कि इस बार भी प्रधानमंत्री का फेस काम आएगा या फिर प्रत्याशी, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार तीसरी बार उन्हें प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी की तरफ से, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो कई ऐसे भी कहते हुए नजर आए कि पीएम मोदी का चेहरा है, और रोजगार महंगाई मुद्दा ये भी बहुत छाया रहा है। क्या लग रहा है इस बार मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहने वाले हैं, प्रत्याशियों का चेहरा हावी रहने वाला है या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन मुझको लगता है कि उन मुद्दों को एंटर ढंग से नहीं किया गया विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष उसी पिच पे आके खेलने लगा, वो हिंदू मुसलमान वाली पिच, जिसमें बीजेपी को बहुत आसानी होती है। मैंने भी कई क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पे मुझको नजर आया कि बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लें कि कई जगह लोगों को सांसदों से नाराजगी थी और उनको था कि हमारा सांसद नहीं अच्छा है, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग का कहना था कि हम वोट लेकिन मोदी के चेहरे पे देंगे। तो मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे चुनाव में बल्कि पूरे देश में मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर बने हुए, तो जाहिर सी बात एक कड़ा मुकाबला है। लेकिन हाँ, बनारस की सीट की बात करें तो वहां का मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है, क्योंकि कोशिश हो रही थी कि जो मार्जिन, जो मोदी जी की सीट की मार्जिन बढ़ाई जाए, लेकिन अब वहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो जाहिर सी बात है कि जो पिछली बार दो हिस्सों में वोट पड़े थे वो दोनों क्लब हो जाएंगे, साथ में इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी ये लगातार कोशिश कर रही है कि वहां का पोलिंग परसेंटेज बढ़े और ज्यादा ज्यादा वोट करें लोग, ताकि वो जो मार्जिन है वो मेंटेन रहे। ठीक है नवल जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। चुनाव जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।